जिसको देखो सभी को आईफोन ही लेना है, बल्कि इतने सारे अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ इतने सारे एंड्रॉयड आ रहे हैं। आईफोन को लेने का एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है आईफोन का कैमरा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आईफोन से भी अच्छा कैमरा आपको किसी एंड्रॉयड में मिल सकता है तो भी क्या आप आईफोन को ही लोगे? हाँ, तो चलो ऐसा ही कुछ कंपैरिजन इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो स्मार्टफोन को मैं कंपेयर करने वाला हूँ, एक है शाओमी 13 अल्ट्रा और दूसरा है आईफोन 13 प्रो मैक्स। प्राइस बता देता हूँ उससे पहले आपको, जो शाओमी 13 अल्ट्रा है वो आपको मिल जाता है सिर्फ 71,000 के आसपास। तो जो शाओमी 13 अल्ट्रा है वो अभी लॉन्च तो नहीं हुआ, लेकिन जुलाई के आसपास वो लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। शाओमी 13 अल्ट्रा है उसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, आईफोन में नहीं मिलता। आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, आईफोन में नहीं मिलता। और शाओमी 13 अल्ट्रा में आपको रिवर्स चार्जिंग मिल जाती है, आईफोन में नहीं मिलती। ये तो टट्टी है। काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको मिलने वाली है Xiaomi 13 अल्ट्रा में। तो भाई एक बार इस वीडियो को देख लो, उसके बाद फिर डिसाइड कर लेना तुम्हें क्या चाहिए। चलो फिर ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले से। तो अगर मैं बात करूँ Xiaomi 13 अल्ट्रा की डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिल जाती है 6.73 इंचेस की डिस्प्ले। रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 2600 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, HDR10+ AI डिस्प्ले सपोर्ट, क्लासिक आई प्रोटेक्शन, 360 डिग्री फोटो सेंसिटिव, सनशाइन स्क्रीन, ऑटो ब्राइटनेस, AI मास्टर, चीटिंग 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 करता है तू, इमेज क्वालिटी, डॉल्बी विजन, ये सारी फीचर्स जो आपको इसमें मिल जाते हैं। फिर बात करें आईफोन 13 प्रो मैक्स की, तो इसमें आपको मिल जाता है 6.7 इंच की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अगर बात करें थोड़े से और फीचर्स की, तो आईफोन 13 में आपको मिल जाता है HDR डिस्प्ले, ट्रू टोन, हैप्टिक टच, सुपर रेटिना, XDR डिस्प्ले विद प्रमोशन। अगर बात करें दोनों स्मार्टफोन की नॉच की, तो आईफोन में मिलता है आपको छोटा सा नॉच, तो डायनेमिक आइलैंड आ चुका है, लेकिन 13 को कंपेयर करें तो इसमें छोटा सा नॉच मिलता है। Xiaomi का जो 13 है इसमें आपको पंच होल वाला नॉच मिलने वाला है। स्क्रीन की बात करें तो Xiaomi 13 अल्ट्रा की जो स्क्रीन है इसमें आप 1 बिलियन कलर्स को देख सकते हो। अगर बात करें आईफोन 13 प्रो मैक्स की, इसमें आप सिर्फ 16 मिलियन कलर्स को देख सकते हो। तो इसमें भी Xiaomi ने आईफोन को पीछे छोड़ दिया है दोनों ही स्मार्टफोन की मेमोरीज की बात करता है। सबसे पहले अगर रैम की बात करें, तो आईफोन 13 प्रो मैक्स में मिलती है 6 GB की रैम, और जो ये Xiaomi 13 अल्ट्रा है इसमें आपको 12 GB की रैम मिलने वाली है। आईफोन की जो रैम होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, तो उसमें तो मैं नहीं कह सकता कि कम है। स्टोरेज की बात करें, तो अगर इस प्राइस पॉइंट की बात करें 1,29,000, तो इसमें आपको 128 GB स्टोरेज मिलती है। आपको 10,000 और खर्चने पड़ेंगे अगर आपको 526 की स्टोरेज चाहिए, और उससे भी ज़्यादा आपको खर्चना है तो 1 TB की स्टोरेज मिल जाती है 1,55,000 के आसपास में। Xiaomi 13 अल्ट्रा, तो इसमें आपको 256 की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी 71,000 में ही। Xiaomi के दो स्मार्टफोन्स आ जाएंगे जितने में आपको आईफोन में स्टोरेज मिल रही है। जो Xiaomi है इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फिंगरप्रिंट क्या होता है एप्पल को नहीं पता। ये क्या है? फेस अनलॉक दोनों में ही है। आईफोन का फेस अनलॉक मैंने चेक किया है, अंधेरे में भी आप खोलोगे ना तो अनलॉक हो जाता है भाई। आईफोन का बहुत ही सही, मतलब आईफोन इसीलिए तो यार इतना। दोनों IP68 वाटर रेजिस्टेंट है। वाटर प्रूफ तो आईफोन भी नहीं होता वैसे, वाटर रेजिस्टेंट होता है। तो जो Xiaomi 13 अल्ट्रा है उसे आप 1.6 मीटर पानी में डाल सकते हो आधे घंटे के लिए, और जो एप्पल का 13 है उसे आप 6 मीटर तक पानी में डाल सकते हो, आधे घंटे तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर अगर कैमरा की बात करें, तो Xiaomi 13 अल्ट्रा में आपको काफ़ी बड़ा सेंसर मिलता है। सबसे पहली बात तो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है Xiaomi 13 अल्ट्रा की। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ, दोनों की क्वालिटी को भी कंपेयर करूँगा, नहीं तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा इन दोनों के लिए। Xiaomi 13 अल्ट्रा है उसमें आपको Leica का कैमरा मिलता है, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर कैमरा ब्रांड है, काफ़ी अच्छे अच्छे कैमराज बनाती है। 50 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको इसमें मिलेगा। और अगर बात करें आईफोन 13 प्रो मैक्स की, तो इसमें भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है 12 मेगापिक्सल का। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है। आईफोन में आप 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60 FPS पर। अगर बात करें Xiaomi 13 अल्ट्रा की, तो इसमें आप 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और 8K भी रिकॉर्ड कर सकते हो 30 और 60 दोनों ही FPS पे। आईफोन में आपको 12 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, और इसमें आपको 32 MP का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। जो आईफोन है इसमें आप फ्रंट कैमरा से भी 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन जो
Xiaomi का 13 Ultra है, इसमें आप फ्रंट कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते और ना ही 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर बात करें दोनों स्मार्टफोन की, सबसे मेन चीज़ जो है दोनों स्मार्टफोन का प्रोसेसर, तो एक में मिल जाता है आपको एप्पल की A16 बायोनिक चिप, जो ये Xiaomi 13 Ultra है इसमें भी सबसे पावरफुल चिपसेट मिलती है। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Zen 2 मिलती है, तो एंड्रॉयड में सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है। बात करें वायरलेस चार्जिंग की, तो दोनों में वायरलेस चार्जिंग है। एप्पल में आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, और जो Xiaomi 13 Ultra है उसमें आपको 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। एप्पल में आपको 7.65 mm की थिकनेस मिलती है, और जो Xiaomi 13 Ultra है उसमें आपको 9.1 mm की थिकनेस मिल जाएगी। फिर अगर बात करें बैटरी की, तो आईफोन में आपको मिलती है 4352 mAh की बैटरी मिलती है, Xiaomi 13 Ultra की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, बहुत सारी मिस्टेक्स वीडियो में हो सकती है। मिलते फिर अगली वीडियो में, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।